हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। मैं आज आपको तुलसी का प्लांट के बारे में बता रही हूँ, जो सभी के घरों में तुलसी उगाई जाती है। तुलसी प्लांट कैसे ग्रीन बना रहे, कैसे हरा भरा बना रहे और कैसे अच्छे से ग्रोथ करता रहे और सालों साल बना रहे ये प्लांट, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। ये जो प्लांट है तुलसी का प्लांट, आप देख रहे हो इसमें बहुत से सीड्स पार्ट आ रहा है। ये सीड, ये हमें इसे निकालना है, इसे हमें पिंच करना है या काटना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें पिंच करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें पिंच नहीं करेंगे तो जो ये सीड पार्ट से है ये सूख जाएगा और इसके साथ साथ हमारा प्लांट भी सूख जाएगा और जो है हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर हमें कहीं इसकी सूखी ब्रांच दिखाई दे रही हो तो हमें उसे भी काटना है। और आप देख सकते हो इसमें जो ये पीले पत्ते आ रहे हैं, हमें इन पीले पत्ते को भी निकालना है ताकि जब हम ये पत्ते निकालेंगे, पीले और सूखे पत्ते, तो हमारे इस जगह न्यू पत्ते आएंगे। और अगर हम नहीं निकालते हैं तो फिर जो ये प्लांट है ग्रो नहीं करता है और ना ही हरा भरा रहता है और ना ही जो है ये अच्छा फैला हुआ रहता है। हमें हर मतलब 8-10 दिन में इसकी पिंचिंग करते रहना है। समर टाइम में हमें इस प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर वाले भाग में नहीं रखना है, उसे हमें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ही रखना है ताकि जो इसकी ये पत्तियाँ हैं पीली नहीं पड़ती है। और जो ये अगर हम मॉर्निंग में मतलब जहाँ 3-4 घंटे की धूप आती हो समर टाइम में, उस एरिया में ही हमें इसको वहाँ रखना है। अगर ज़्यादा धूप आएगी समर टाइम में तो जो प्लांट की जो लीव्स है, पत्तियाँ है, ये सूख जाएगी। हमें डेली पिंचिंग करना है जिससे हमारा प्लांट हरा भरा रहेगा। और इसका जो टेम्परेचर है हमें 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ही रखना है समर टाइम में, ताकि इसकी जो पत्तियाँ है पीली ना हो, सूखे नहीं। और एक और इसका जो टिप्स है, हमें ये जो प्लांट है तुलसी का प्लांट, हमें कम से कम इतने मतलब 8 से 10 या 10 से 12 इंच वाले पार्ट में ही इसे ग्रो करना है ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। और हमें इसे इसकी डेली खुदाई करना है, सॉरी डेली नहीं, हमें इसकी एक 1 वीक में एक बार इसकी खुदाई करना है और वो भी 1 से 1.5 इंच तक की खुदाई करना है। ये इस तरह, और जो हमें इसकी जो मिट्टी है उसको वेलड्रेन मिट्टी बनाना है। आप सभी जानते हो तुलसी का जो प्लांट है बहुत ही शुभ प्लांट होता है, जो हमारे घर में सुख समृद्धि भी बनाए रखता है। और जो ये प्लांट है इसके अगर वेडनेसडे के दिन पूजा करें घी का दीपक लगाकर, तो हमारे घर में धन प्राप्ति बनी रहती है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। हमें बस इसे ज़्यादा नहीं है, ऐसे 1 से 1.5 इंच इतनी ही खुदाई करना है और 1 सप्ताह में एक बार करनी है। और जब खुदाई करते हैं तो हमें उस दिन पानी नहीं डालना है, उसके नेक्स्ट दिन अगले दिन ही उसमें वॉटरिंग करना है, उसी टाइम नहीं डालना है। जैसे मैंने आज खुदाई कर रही हूँ तो मैं इसमें कल पानी डालूंगी और इस तरह मैं 1 से 1.5 इंच तक की खुदाई कर लेना है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है।
देखिए इस तरह से। ये जो मेरा तुलसी का प्लांट है इसे 2 साल ऊपर हो चुके हैं। अगर हम इस तरह इसकी डेली पिंचिंग करें, इसे सप्ताह में एक बार इसकी खुदाई करें, इसे 20 से समर टाइम में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखेंगे तो जो प्लांट है सालों साल बना रहता है। इस तरह, और इसमें हमें अभी पानी नहीं डालना है, इसमें हमें नेक्स्ट डे पानी डालना है, एक दिन बाद पानी डालना है। और इस प्लांट की जो मिट्टी है इसमें हम सड़ी जो गोबर होता है उसकी खाद मिलाकर अगर इस पौधे को ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्लांट चलेगा ये। इसमें कोई फर्टिलाइजर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है और गोबर की खाद डाल के हमें इस प्लांट को अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और इस तरह हमें सूखी पत्तियाँ या जो सीड पार्ट्स होता है उसे निकालना है, कोई ब्रांच सूखी हो तो हमें उसे पिंच करना है, करते रहना है ताकि जो हमारा प्लांट है ग्रीन प्लांट रहे और सालों साल हमारे साथ बना रहे।